सरकारी अस्पताल में मुख्यमंत्री के जन्मदिवस पर किए गए फल वितरण। उदयपुर वाटी कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिवस पर पूर्व विधायक भोलाराम सैनी के नेतृत्व में मरीजों को फल वितरण किया गया। कस्बे में जगह जगह सर्व समाज की ओर से मुख्यमंत्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान कस्बे के सरकारी अस्पताल परिसर में मुख्यमंत्री के जन्मदिवस पर फल वितरण किया गया। फल वितरण कार्यक्रम अस्पताल प्रभारी डॉक्टर अनिमेश गुप्ता ने मरीजों को फल वितरण कर शुभारम्भ किया। इस दौरान अस्पताल में आए हुए मरीजों को फल वितरण किया गया। फल वितरण में केला, चीकू, बिस्कुट वितरण किया गया। इस दौरान मरीजों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जन्मदिन की शुभकामनाएं बधाई दी और साथ ही उनकी लंबी उम्र की कामना की। फल वितरण कार्यक्रम में एडवोकेट श्रवण कुमार सैनी, सहकारी समिति अध्यक्ष मोतीलाल सैनी, पार्षद राधेश्याम रचित, पार्षद शीशपाल सैनी, डॉक्टर अनिमेश गुप्ता, नर्सिंग ऑफिसर सत्यनारायण सैनी, नर्सिंग कर्मी महेंद्र सैनी, एडवोकेट शिवकरण सैनी, एडवोकेट राजेंद्र सैनी, मोहित बागड़ी, राकेश कुमावत, प्रहलाद सैनी सहित बड़ी संख्या में अन्य लोग मौजूद थे। ये हमारे यशस्वी जननायक माननीय अशोक जी गहलोत का आज जन्मदिन है। उस उपलक्ष्य में उदयपुर वाटी के 36 कौम के लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं। आज जन्मदिन की खुशियां मना रहे हैं और इस सिलसिले में आज हमने सामुदायिक अस्पताल उदयपुर वाटी में मरीजों को और उनके साथ आगंतुकों के लिए फल वितरण का कार्यक्रम रखा है, जिसमें पौष्टिक जैसे केला है, चीकू है, सेब है, ये फल उनके वितरण के लिए रखे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके लिए ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी दीर्घायु हो, यशस्वी हो और चौथी दफे फिर राजस्थान के सिरमौर बने, मुख्यमंत्री बने, यही हमारी कामना है।